मैं अंकिता एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे। तो इस बार की वीडियो है बहुत स्पेशल, बिकॉज मैं आप लोगों के संग शेयर करने वाली हूँ अपनी वन ऑफ द फेवरेट चीज़ों में से एक चीज़। तो आप लोग सोचेंगे कि मेरी फेवरेट आप लोगों को दिखा के क्या करूँगी, बिकॉज जो मेरी फेवरेट है वो मुझे पता है कि वो चीज़ काफ़ी सारे लोगों की फेवरेट ही है। तो ले चलती हूँ उन चीज़ की तरफ आप लोगों को और दिखाती हूँ कि वो चीज़ें क्या हैं। तो स्टार्ट करती हूँ अपना ये वीडियो, लेट गेट स्टार्टेड। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आपको क्या दिखाने वाली हूँ, ऐसी क्या चीज़ है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ काफ़ी सारे इयररिंग्स के डिज़ाइन और इयररिंग्स के पैटर्न जो मेरे काफ़ी फेवरेट हैं। मतलब मेरे पास अगर आप इयररिंग्स देखेंगे या ज्वेलरीज देखेंगे तो आप लोग कहेंगे कि अंकिता मतलब तुम पूरा का पूरे एक शॉप ओपन कर सकती हो सेल के लिए। सीरियसली मतलब मेरे पास इतने सारे इयररिंग्स हैं कि मतलब काउंट भी नहीं होंगे और पता भी नहीं है कि मुझे कहाँ कहाँ कैसे कैसे कौन कौन से पेयर्स रखे हुए हैं। तो लेकिन मैंने आप लोगों के लिए कुछ अच्छे चुनिंदा और मेरे मतलब वन ऑफ द बेस्ट बेस्ट जो इयररिंग्स हैं इस बार के फेस्टिवल सीजन के मैंने निकाल के जो रखे हुए हैं वो आप लोगों के लिए मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ, ताकि आप लोग देखें और मतलब आप लोगों को भी पता चले कि इस समय ट्रेंड में क्या चल रहा है। बिकॉज इस समय जो भी मार्केट में चल रहा है, जो भी जिस तरीके भी के भी इयररिंग्स मार्केट में आते हैं, मुझे टाइम नहीं लगता, मैं तुरंत जाती हूँ और उसे परचेज कर लेती हूँ, भले मेरे पास कितने भी इयररिंग्स हो। सीरियसली कितने भी, मैं दिखाती हूँ अपना सबसे पहला पेयर मेरे पास कौन सा इयररिंग्स का है। तो मैं आपको दिखाती हूँ मेरा ये इयररिंग्स का पेयर। मीन्स आप इसे देखिए, ये कितना ब्यूटीफुल है। मीन्स सबसे अच्छी चीज़ मेरे सारी इयररिंग्स की, जो मैं आपको स्टार्टिंग में ही बताती हूँ कि इनका वेट मतलब दिखने में आपको लग रहा होगा ओ गॉड मतलब इतने हैवी इयररिंग्स कैसे कोई कैरी कर सकता है, या मतलब जिनको आदत नहीं होती है वो कैसे कैरी कर सकते हैं। तो मैं आपको क्लियरली बताना चाहती हूँ कि ये दिखने में जितने ज़्यादा आपको मतलब बहुत ज़्यादा हैवी वेटेड लग रहे हैं, ये बिल्कुल भी मतलब वेट है ही नहीं इनके अंदर। ये इतने लाइट वेट होते हैं कि आप ईजिली कैरी कर सकते हैं इनको, मीन्स ईजिली। तो ये है सबसे पहला पेयर और आप देख सकते हैं कि ये कितना ब्यूटीफुल है। मीन्स कितना मतलब इस इयररिंग्स को मैं कभी भी पिक कर सकते हैं। इस इयररिंग्स को क्या मतलब इस वीडियो में मैं आपको जितने भी इयररिंग्स दिखाने वाली हूँ वो सारे इयररिंग्स ऐसे हैं कि मैं आंखें बंद करके कभी भी पिक कर सकती हूँ। तो सबसे पहले इयररिंग्स मेरा ये है, कितना ब्यूटीफुल है ये, है कि नहीं। अब दिखाती हूँ मैं आप लोगों को दूसरे पेयर्स मेरे, तो वो हैं ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाले, और वो है ये। आप देख सकते हैं कि मतलब ये छोटे हैं लेकिन इतने ब्यूटीफुल लगते हैं जब मैं इसे कैरी करती हूँ। आप देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं ये। मीन्स ये मेरे ऐसे हैं कि कभी मैं साड़ी मतलब पहनती हूँ, या फिर मैं कभी कोई मतलब सूट वगैरह कैरी करती हूँ, तो ये इतने इतने ब्यूटीफुली उन ड्रेसेस के संग जाते हैं। सीरियसली इतने ब्यूटीफुली कि मतलब छोटे होने के बाद भी ना ये इतने खूबसूरत लगते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। अब दिखाती हूँ मैं आप लोगों को दूसरे पेयर्स मेरे, तो वो हैं ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाले, और वो हैं ये। आप देख सकते हैं कि मतलब ये छोटे हैं लेकिन इतने ब्यूटीफुल लगते हैं जब मैं इसे कैरी करती हूँ। आप देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं ये। मीन्स ये मेरे ऐसे हैं कि कभी मैं साड़ी मतलब पहनती हूँ, या फिर मैं कभी कोई मतलब सूट वगैरह कैरी करती हूँ, तो ये इतने इतने ब्यूटीफुली उन ड्रेसेस के संग जाते हैं। सीरियसली इतने ब्यूटीफुली कि मतलब छोटे होने के बाद भी ना ये इतने खूबसूरत लगते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो तीसरा पेयर दिखाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि मैं कोशिश करूँगी कि आपको मतलब बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट इयररिंग्स दिखाऊँ, सारे पैटर्न अलग हों, सारी चीज़ें अलग हों। और मतलब मोस्टली इस वक्त जो फेस्टिवल सीज़न चल रहा है या शादियाँ स्टार्ट होने वाली हैं, शादी हैं, तो आप लोग ईजिली उन सब चीज़ों को कैरी कर सकते हैं। अच्छा, आप ये सोचेंगे कि ये सारी चीज़ें मैंने परचेज कहाँ से करी, तो
कुछ चीज़ें मैंने यहाँ के लोकल मार्केट मीन्स आगरा से लोकल मार्केट से परचेज करी है, कुछ मैंने ऑनलाइन मतलब मंगवाई है। तो मतलब मुझे कहीं पर भी मीन्स कहीं पर मैं जाती हूँ तो मुझे अगर अच्छे इयररिंग्स मिलते हैं, कोई अच्छी ज्वेलरीज मिलती हैं, कोई नहीं रोक सकता मुझे उसे खरीदने के लिए। मतलब मुझे बहुत ही क्रेजीनेस है कोई भी एसेसरीज के रिगार्डिंग, सीरियसली। तो चलिए मैं बात करती हूँ अपने तीसरे पेयर की। तो मेरे तीसरे पेयर हैं ये, इन्हें हम बहुत लोग इन्हें कहते हैं कनफूल, और मतलब काफ़ी सारे इनके इसके नाम हैं, पर मैंने जब ख़रीदा था तो मुझे ये एक केस में लगे हुए दिखे थे तो मुझे ये काफ़ी पसंद आए थे। तो आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से लगेंगे, और आप देख सकते हैं कि जब इसे मैं कैरी करूँगी तो मीन्स पूरे कान बहुत ही खूबसूरती से भर जाएंगे, और मुझे ज़्यादा हैवी नेक पीस पहनने की रिक्वायरमेंट भी नहीं पड़ेगी। अब जो इयररिंग्स आपके सामने आएंगे, अब मैं दिखाती हूँ वो इयररिंग्स हैं ये, देखिए मतलब कोई वर्ड्स ही नहीं है मेरे पास इसको डिफाइन करने के लिए, बताने के लिए आप लोगों को कि कैसे हैं ये। मतलब ये इतने सुंदर लगते हैं मुझे, मतलब आप कहेंगे सारे इयररिंग्स तुम्हें सुंदर लगते हैं, बट सीरियसली ये बहुत सुंदर लगते हैं। मतलब बहुत डिसेंट से हैं, बिल्कुल हैवी नहीं है, और मैं इसे लॉन्ग सूट साड़ी मतलब हर चीज़ में मैं इसे कैरी कर सकती हूँ, और ये इतने इतने ब्यूटीफुल है ना, आप खुद देखिए, मैं इसे आपको आराम से दिखाती हूँ। इयररिंग्स आपके सामने आने वाले हैं उसका एक बहुत ही मतलब एक यूनिक चीज़ है, वो ये कि उनका नामकरण मैंने ही करा है मतलब जो सपाट वो है ये, और इनका नाम मैंने रखा है झूमर इयररिंग्स। मतलब ये जब मैं कैरी करती हूँ तो सुंदर तो लगते ही हैं, ब्यूटीफुल तो लगते ही हैं, बट ये बहुत यूनिक से लगते हैं। देखिए आप बताइए मैंने सही रखा ना इसका नाम, झूमर इयररिंग्स देखिए कितने ब्यूटीफुल, और आप इनका काम देखिए। सी मैं आपको दिखाती हूँ अच्छे से, ये कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं ना, मतलब ये मतलब इसका काम ही बहुत यूनिक है, मतलब इतना सुंदर इतना प्रिटी। अब मैं जिस इयररिंग्स के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ वो है सिंपल सोवा झुमका इयररिंग्स टाइप। ये मुझे मिले थे यूफोरबिया बॉक्स के अंदर, पर मैं आपको सही बताऊँ उस बॉक्स को मैंने उस मंथ में खरीदा ही स्पेशली उन इयररिंग्स के लिए था, मुझे काफ़ी पसंद आए थे, और मैंने अपनी एक वीडियो में उसे कैरी भी किया था, इस बॉक्स का रिव्यू भी किया था। तो वो इयररिंग्स हैं ये बहुत सिंपल से हैं, बट जब इसे कैरी करो तो ये आपके फेस पे इतना अच्छा सा लुक देते हैं कि आप कोई भी नॉर्मल कुर्ती अगर कैरी करते, नॉर्मल सी या नॉर्मल साड़ी या नॉर्मल कोई भी इंडियन अटायर या फिर कोई भी बोहेमिया टाइप, आप कोई भी स्टाइल कैरी करते हैं तो ये इतना उस लुक को इतना हटके बना देता है, मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं ये इयररिंग्स। सी मीन्स ऊपर से आप देखिए कितना सिंपल लुक है, और नीचे आप देखिए इतना ब्यूटीफुल सा ये झुमका, मुझे काफ़ी पसंद है। और मैं एक चीज़ और करती हूँ, मैं ना काफ़ी सारे इयररिंग्स को ना मांग टिक्का बना देती हूँ, तो मुझे ये चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती हैं, लाइक काइंड ऑफ दिस मैं कुछ ऐसा कर देती हूँ कभी कभी, मतलब ये तो नहीं जा रहा, पर आपने मेरी वीडियोस में भी देखा होगा, इससे पहली वाली वीडियो थी हेयर स्टाइल वाली, मैंने उसमें भी दिखाया था कि मैं इयररिंग्स को मांग टिक्के की तरह यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छे लगता है। काफ़ी हैवी चीज़ हम यहाँ कैरी करते हैं और लाइट वेटेड हम इयररिंग्स या नेक पीस कैरी करते हैं तो अच्छा लगता है वो लोग भी। तो ये है लास्ट मेरा इयररिंग, और सिंपल है बट ब्यूटीफुल है। हाँ होती है ख़त्म मेरी ये वीडियो, और मैंने आपको दिखा दिए सारे मेरे इयररिंग्स नहीं, कुछ अच्छे अच्छे चुनिंदा
इस सीजन के लिए, इस फेस्टिवल और इस वेडिंग सीजन के लिए। वैसे भी मेरी वेडिंग सीजन वाली वेडिंग सीरीज चल रही है, तो मैं इसके अंदर आप लोगों के लिए ऐसी कुछ यूनिक यूनिक चीज़ें लेकर आती रहूँगी, लाइक मेकअप, ब्राइडल मेकअप, एसेसरीज। तो अभी मैंने हाल फिलहाल आपको ये गोल्डन जर्किन वाली स्टोन वाली मैंने आपको ज्वेलरी दिखाई है, मीन्स इयररिंग्स दिखाई हैं। अब मैं एक वीडियो सेपरेट भी बनाऊंगी जिसके अंदर मैं आपको सारे मेरे ऑक्सीडाइज ज्वेलरीज दिखाऊंगी। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, जब इसका ट्रेंड चला था तो मैंने पूरी अलमारी भर दी थी, लिटरली मैंने भर दी थी। मतलब ये पीस भी होना चाहिए, ये लुक भी होना चाहिए, इस तरीके के रिंग भी होने चाहिए, नोज पिन, मतलब सारी चीज़ें मैं भर चुकी थी और अभी भी कंटिन्यू है। मुझे जहाँ अच्छा मिलता है मैं वहाँ से उसे पिक कर लेती हूँ। तो यार फाइनली मेरी ये वीडियो तो यहाँ ख़त्म होती है। मैंने आपको ये इयररिंग्स दिखा दिए, ये पेयर्स दिखा दिए। मतलब बाकी डिटेल मैं अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेंशन कर दूंगी। अगर कोई और बात आप खुद से पूछना चाहते हैं या कुछ और कोई बात हो जो आप मेरे से मतलब करना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट करके मुझे बताइएगा। बाकी आप मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, लाइक इंस्टाग्राम, मेरा फेसबुक पेज, और आप मुझे बहुत सारा प्यार दे सकते हैं मेरी इस वीडियो को लाइक करके, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो। तो करती हूँ मैं यहाँ ख़त्म और मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, अगली वेडिंग सीरीज की वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।